आइए जी आइए, वेलकम है हेलो। इंडिया में। ये रहा भाई, ओआरवी हेलो है। रख दो वहां, रख मिस्टर दो। रॉकी। एंड उन्होंने अभी अभी लोकेशन भेजी है जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। 51 किलोमीटर है भाई एयरपोर्ट से। वो रहे कंटेनर काफी सारे, एंड इन्हीं एक कंटेनर में से अपनी स्कॉर्पियो एन भी है भैया। और भाई पूरी ईरान वाली फील आ रही है, जैसे ईरान में कंटेनर छुड़वाने गए थे ना, वैसी यहाँ पे आ रही है। इतने 30 देशों में कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में, लेकिन इंडिया पहुंचते ही गाड़ी नहीं ऑन हो रही। वाह, लो जी लो, फाइनली ये खड़ी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो 30 देशों में घूम के फाइनली अपने देश वापिस आ गई है। HR 26 गुड़गांव का नंबर। कपड़ों की भाई ऐसे प्रेस वेस करके पैकिंग करने की तैयारी चल रही है। फाइनली भाई लोग, इतने दिनों के इंतजार के बाद अपनी जो स्कॉर्पियो है उसकी कस्टम क्लियरेंस हो चुकी है। वहां से बुलावा आ गया है कि फटाफट आ जाओ मुंबई और अपनी गाड़ी ले जाओ। तो आज है क्या तारीख है, आज 7 तारीख, 7 नवंबर, कल यानी कि 8 नवंबर को जा रहा हूँ मैं और विक्रम भाई। दोनों फ्लाइट बुक करके, फ्लाइट बुक हो चुकी है ऑलरेडी इस तारा की, तो मुंबई जाएंगे। कल ही अपनी गाड़ी पिक करेंगे जो आप आज के व्लॉग में ही देखोगे, और वहां से निकल जाएंगे फिर सीधा शिरडी के लिए। अभिषेक जा नहीं पा रहा क्योंकि वो इस वक्त गया हुआ हांगकांग। तो गाड़ी अकेले चला के लाता बहुत टाइम लग जाता है, मैंने सोचा विक्रम भाई चल लेंगे साथ में, तो जल्दी जल्दी खींच देंगे वापसी में। और आके उसको फिर भाई रिपेयर वगैरह भी करवाना है, पूरा सामान जो है वो महिंद्रा के शोरूम में पड़ा हुआ है, डिक्की वगैरह जो चेंज होनी है, मस्त हो जाएगा। बस गाड़ी फाइनली आ गई, मतलब आ तो पता है कब गई थी, 16 अक्टूबर को। और बताओ 16 अक्टूबर से आज 7 नवंबर हो गई है, लगभग लगभग 30 दिन होने वाले हैं, 25 दिन के आसपास, बट वो क्लियरेंस ही नहीं होके दे रही थी। बट फाइनली क्लियरेंस हो गया है, कल जाएंगे गाड़ी उठाएंगे और मजे। हाँ जी, तुम नहीं चल रहे, शिरडी चल रहे थे तुम तो। वो ये जल्दबाजी में आना पड़ रहा है क्योंकि 12 तारीख की दिवाली है और 8 तारीख को हम निकल रहे हैं, तो समझ लो 2-3 दिन में ही वापसी खींचनी है। मम्मी और अगर मतलब टाइम होता तो फिर हम जाते सब लोग और वापसी में शिरडी होते हुए आते होंगे, जाएंगे तो अभी भी शिरडी, बट मैं और विक्रम भाई जाएंगे खाली, बाकी घर का भी काम चल रहा है तो इसलिए जा नहीं सकते सारे के सारे एकदम। अब मैं 2-4 कपड़े प्रेस करवा रहा हूँ, जो जो ले जाने हैं, सूटकेस पैक करते हैं और कल निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। वैसे आज रात भी हो सकता है, 10-10:30 बजे हमें एयरपोर्ट जाना हो, क्योंकि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है वो मैं मिलवाऊंगा, बट कंफर्म नहीं है कि हमें जाना है एयरपोर्ट या नहीं जाना है। जाना होगा तो चलेंगे, फिर कल फिर जाएंगे, मतलब दो दो बार एयरपोर्ट के चक्कर। और मम्मी भी चलेगी आज है, चलोगे? पहले गए हुए तुम एयरपोर्ट अपने, दिल्ली वाले नहीं गए ना, मम्मी का पहली बार है। खैर अंदर तो जाने, हाँ जब तो फिर ज्यादा लोग हो गए थे ना, गुड्डू गई जब, तो मम्मी अंदर तो नहीं जा पाएगी, बट बाहर जा सकते हैं हम रिसीव करने। देखते हैं बाकी क्या सीन है, वो मैं बता ही दूंगा ब्लॉग में, अभी मैं पहले पैकिंग कर लूँ जल्दी जल्दी। एंड ये देखो भाई, मैंने टेम्पर ग्लास भी चेंज करवा लिया है, स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रैच भी नहीं आया था एक भी, सब जो आया था वो टेम्पर ग्लास में ही आया था, पूरा नया देखो बन गया ना, ब्रांड न्यू हुए। कपड़े और जूते ऊपर ले आया हूँ, बैग देख रहा हूँ कौन सा ले जाऊँ, छोटे वाला ही ले जाता हूँ, 2 दिन के लिए जाना है, क्या बड़ा बैग ले जाना, ये वाला है मीडियम वाला, क्योंकि सबसे छोटे वाला तो मैंने अभिषेक को दे दिया था लंदन में और वो वहीं पे छोड़ आया, तो मेरे पास एक यही ऑप्शन बचता। या मैं सोच रहा हूँ एक रक्सैक, वो पिट्ठू बैग ही ले लूँ, उसी में सारा सामान आ जाएगा, बट कंधों पे क्या ही उठाना मेरे, वैसी कमर में दिक्कत रहती है। यही वाला सूटकेस ले जाते हैं, लेट्स गो भाई। वैसे तो इससे छोटा वाला भी है, बट वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये बेस्ट है भाई, इसमें सारा सामान आ जाएगा अपना 2 दिन के लिए। अभी फिलहाल फ्लाइट में ही ले जाने की दिक्कत है, आते वक्त तो गाड़ी में आएंगे, जितना मर्जी लगे जो सब ठूस दूंगा उसमें, बट अभी जाते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वैसे तो एयरपोर्ट तक जाना है, एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी लेनी है हमने, वो सीधा CFS ले जाएगी, यानी कि जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है वहां से फिर गाड़ी मिल जानी है, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं, तो ठीक है चलो यही वाला ले चलते हैं। ब्रूनो नो, बदतमीजी नहीं, ओए अगर तूने इसमें थूक लगाया, सुन रहा है? हेलो मिस्टर, हेलो हेलो मिस्टर, इधर इधर, एक कैसे इग्नोर मार रहा है, शर्म आ रही है, आ रही है शर्म। एयरपोर्ट जाने का तो प्लान हो गया कैंसिल, वो आ रहे हैं सीधा घर पे ही, लैंड तो हो गए, अभी फोन आया यहाँ पे, पार्टी चल रही है, फार्थ क्या बात है, गोलगप्पे खा रहा है। चलो जी पार्टी शार्टी हो गई है, बैग भी पैक हो गए, सारे कपड़े डाल दिए, एक जोड़ी चप्पल, परफ्यूम, अभी टूथब्रश वगैरह सुबह रखूंगा। और ये देखो हमारे घर कौन आ गया है, पार्थ जी, कह रहे हैं गेम खिलाओ। स्कूल की छुट्टी हो गई तुम्हारी, दिवाली तक छुट्टी कर दी पोल्यूशन के चक्कर में कि स्कूल ही मत आओ, मतलब क्या लॉजिक बना, बच्चे कौन सा घर में टिकेंगे, वैसे भी बाहर ही घूमेंगे, पोल्यूशन तो जाना ही है शरीर के अंदर, स्कूल ही बुला लो उससे अच्छा। बट कोई नहीं, मजे लो, हम भी बचपन में बहुत खुश होते थे जब बारिश आ जाती थी ना, या फिर ऐसे पोल्यूशन हो जाता था तो स्कूल वाले छुट्टी कर देते थे, हम बड़ा खुश होते थे कि वो छुट्टी मिल गई, अब इनकी उम्र है छुट्टी की, हमें तो क्या ही छुट्टी चाहिए, रोज उठो, रोज काम करो, वीडियो बनाओ, एडिट करो और डालो। और सुबह ना 10:20 की फ्लाइट है, सबसे बेकार फ्लाइट लगती है मुझे ये, भाई साहब इसके लिए एयरपोर्ट पहुंचो
दो घंटे पहले यानी कि 8:30 बजे, 8:30 पहुंचने के लिए घर से 1 घंटा पहले निकलो 7 बजे, उसके लिए 5:30 बजे उठो, मतलब रात भर वैसी नींद नहीं आती अगले दिन एक्साइटमेंट के चक्कर में, ऊपर से 5 बजे उठना पड़ जाता है, तो बड़ा बेकार है ये। बट हमने इसलिए जल्दी ही करी है ताकि कल में दोपहर को पहुंच जाए मुंबई, अपनी गाड़ी उठा के सीधा शिरडी पहुंच जाएंगे कल में, फिर शिरडी नाइट स्टे करेंगे, दर्शन वर्शन करके अगले दिन निकलेंगे। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा जल्दी निकल लेंगे, कोई नहीं नींद कम हो अपनी, फ्लाइट में सो जाऊंगा। इसको बस बंद करें, फिर नीचे चलना है। गेस्ट आ रहे हैं, कौन गेस्ट आप जानते हो, मिलवाया भी है मैंने बहुत बार, बट कौन है वो बताऊंगा। आइए जी आइए, वेलकम इंडिया में, मिल लो जी सब लोग। सबसे पहले हम आए मिलने आप सबके भाई। कैसे हो, बढ़िया? कितने साल बाद आ रहे हो इंडिया? 3 हो गए ना 3 साल बाद आ रहे हो, बीच में आई नहीं थे एक बार भी? वो तो उसके हाँ शुरू शुरू में, लेकिन ऑलमोस्ट हो गए नहीं। 3 साल हाँ। कैसा लग रहा है इंडिया अभी? मासी को मिलना पता है सही अच्छा लग रहा है। एयरपोर्ट पे पहुंच के एयर क्वालिटी बड़ी गंदी हो रखी है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है इस टाइम पे काफी ज्यादा। वैसे कितना फर्क होगा, लंदन में बिल्कुल साफ होगी इस टाइम पे ना ड्राइविंग का। माय गॉड, मैं भैया को बोली जा रही ऐसे नहीं लेन चेंज, लेन में क्यों नहीं चला रहे आप इंडिकेटर? मैं भी यही हुआ था, मैं लंदन से आया ना गाड़ी चला के, तो मुझे भी और था, सब लोग लेन में क्यों नहीं चला रहे। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा मैंने ड्राइविंग लाइसेंस यूके में पास कर ली, पर मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकती। पर यहाँ पे जिसको इंडिया में एक बार आदत होगी ना, फिर वो पूरे वर्ल्ड में चला सकते हैं, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक वाला एरिया हो इंडिया में आदत हो गई है तो आप चला लोगे। चलो बाकी कोई नहीं, मिलते हैं, बैठो। अपने जो स्कॉर्पियो एन के ORBM से ना, जो हम एक्स्ट्रा लेकर गए थे पेयर नया सेट, वो कुरियर में आ नहीं पाया था, वो कह रहे थे कस्टम में दिक्कत आ सकती है, तो अब जो है वो दीदी साथ में ही ले आई है। हुआ था स्कैन बैग वैग? हुआ था स्कैन? हुआ था स्कैन बैग? वैसे ही जाने दिया, हाँ वही जाने देते हैं, मैं कह रहा हूँ ना कुछ कोई रोकते हैं कभी कभी, और रोकते भी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। अब इत्तेफाक देखो, कल ही गाड़ी लेने जा रहे, आज शीशे आ गए टाइम पे। हाँ दोनों चीजें टाइम पे एकदम। पी लो पहले पानी वानी पी लो आराम से, फिर करो बाद में, निकाल लेते हो तो कोई नहीं, खाना वाना खाओ इतने। नमस्ते। हाँ ये कहाँ छुप के बैठा है, वो देख, और देख लो ये बंदा जान के छुप के, आ जा मिलना नहीं है, वीडियो कॉल पे तो बहुत बातें मारता था, जल्दी आ चला फटाफट। वो देख कहाँ पे बैठा है, फोन यूज कर रहा है छुप के। आ जा पार जल्दी आ नीचे, चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट तेरी पार दे। नहीं यार शर्मा रहा है, क्या है वो है, ताला लगा रखा है क्या? मैंने लगा दिया था। आ जा। वो देख चॉकलेट पार इतनी सारी, फटाफट इसको, ये तो पिटके ही आएगा लग रहा है। हाँ चल शर्मा किस ले रहे हैं, रिश्ते के लिए आए तेरे? शर्मा फोन ले आया मेरा, चालू आदमी खड़ा हो। अरे हाय मिट्टी देखना सीढ़ियों में कितनी हो रही है, दिखा सारा पजामा कर लिया खराब, वेरी गुड नाचो अब चलो। पड्डी में नहीं ऐसी पड्डी, क्या होता है कमर में दर्द है मेरे। हाँ चला, हाँ चढ़, ओ तेरी तोड़ देगा ये तो कमरी मेरी बची हुई, चढ़ जा। ओ भाई चलो चलो पकड़ के रखियो, गिर जाएगा, एक हाथ से पकड़ रखा है। ओए ओए ओए, लो जी लो उतरो, चलो उतरो उतरो। ओ तेरी, ये रहा भाई ORBM है, रख दो वहां रख दो। शीशे आ गए अब इसमें से, इंडिया वाला तो लगा रहने देंगे, वो हटा देंगे, वो सीक्रेट है अभी नहीं बता सकते, थोड़ा टाइम रुको फिर अनाउंसमेंट करूंगा। मिट्टी तो चढ़ गई, तू नीचे आ जा चल, यहीं बैठ जा चला। हेलो कर अच्छे से, वीडियो कॉल में तो बड़ी चबड़ चबड़ करता था वहां पे, सारे पैर सड़ा लिए होंगे मिट्टी मिट्टी में। छी यार बाहर शर्म नहीं है, रुक जाओ मैं तो कह रहा हूँ रात को है, दोबारा मिलते हैं, मैं तो होऊंगा नहीं ना फिर, मैं तो हाँ बता नहीं सकता, पर मैं होऊंगा नहीं यहाँ पे जब इनकी वापसी की फ्लाइट है। चलो ठीक है, और ये मैं इनका बैग लाया था लंदन से कैबिन के लिए, तो अब जरूरत तो है नहीं, ये ले जा रहे हैं वापस। ओके जी ठीक है, ओके जी, रात को जा रहे हो सेफ थोड़ा है ना, ओके जी बाय कर दे, चल फटाफट बाय कर दे, चॉकलेट मिली है इतनी सारी, कर रहा है बाय कर दी, चलो कर दी बाय बाय, बाय बाय जी।
सारा का सारा डाटा भाई बैकअप पे लगा दिया। उधर पीसी में भी हो रहा है कॉपी और इधर देखो लैपटॉप में भी हो रहा है कॉपी, हार्ड डिस्क में। मैकबुक और अपना पीसी भी ना, मैकबुक और अपना मोबाइल दोनों ही खाली कर रहा हूँ भाई, ताकि अगले 3-4 दिन अच्छे अच्छे व्लॉग बन सके और सबसे स्पेशली स्कॉर्पियो को हम ज्यादा से ज्यादा देख सके भाई। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मेरे पास फोटोज आ चुकी है कि कंटेनर जो है वो खुल चुका है और गाड़ी जो है वो बाहर निकाल ली गई है, यानी कि कल हमें फाइनली भाई अपनी स्कॉर्पियो एन हुए। लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं जब मैंने लास्ट टाइम उसे चलाया था, और अब वो वापस HR26 की गाड़ी हम इंडिया की सड़कों पे देखेंगे जो इतने देश घूम के आई है भाई। क्रेजी यार, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बाहर तो सो गया भाई सब गेम खेलते खेलते, मैं भी चलो सो जाऊं। ये डेटा तो रात भर होता रहेगा, 4-5 घंटे ही बचे हैं अब, क्योंकि 2 बज गए ऑलमोस्ट और 6 बजे फिर उठ रहे हैं। ठीक है जी, तो गुड नाइट सभी को, सुबह मिलते हैं। ओके जी, टाटा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चलने का टाइम आ गया है, 7:20 हो रहे हैं सुबह के। कैब बुक कर दी थी मैंने, बाहर खड़ी हुई है। नीचे देखता हूँ कुछ परांठा वरांठा खा लूंगा एक, क्योंकि वहां तो मुझे पता है ना टाइम मिलने नहीं वाला ज्यादा कुछ। हो गया, रह गया ट्राईपॉड, रख लेते हैं। चलो जी, सारी पैकिंग डन। बैग यार ये वाला काफी गंदा हो रहा है, किसी को पता हो ना कि इसे धो सकते हैं क्या वॉशिंग मशीन में, बता देना कहीं मैं धो दूं और खराब हो जाए। अगर धो सकते होंगे तो धो देंगे। बाय पार्थ, टाटा। हेलो भाई, हमारा सीमेंट भी आ गया है, अंबुजा का कवच। कवच मतलब कि ये लगता है लेंटर के लिए, वाटर प्रूफिंग का थोड़ा सा इसमें मिक्स होता है। हालांकि हम वाटर प्रूफ वाला सोल्यूशन तो मिक्स करेंगे, डॉक्टर फिक्सिड ये लाया हुआ हूँ मैं, देख लो 50-50 लीटर के LW+ है शायद ये। और ये कट्टे टोटल आया 300, क्योंकि भाई ऊपर सरिया का और शटरिंग का काम ऑलमोस्ट हो गया, बस अब सीधा जो है वो कल या परसों में मैक्स डल जाएगा अपना लेंटर सीमेंट वाला पूरा। ये सरिया थोड़ा बहुत जो बचा ये और चढ़ेगा ऊपर, उसके बाद डन। मतलब जब तक मैं मुंबई से वापस आऊंगा अपनी स्कॉर्पियो लेके, अपना लेंटर भी घर का डल चुका होगा और ये पार्किंग भी ना खाली हो चुकी होगी अपनी स्कॉर्पियो को लगाने के लिए मस्त एकदम। अपनी जो फ्लाइट है भाई वो टर्मिनल 3 से है और विस्तारा की एयरलाइन से, मैंने बताया आपको। इस टाइम पे वैसे भी खाली मिलेगा भाई, आई वे 7:30 लगभग निकल चुका हूँ मैं, तो वही 40-50 मिनट या 1 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा। 8:30 पहुंच जाऊंगा और 10:30 की फ्लाइट है, तो 2 घंटे तो इनफ है भाई पूरा चेक इन और सिक्योरिटी चेक वगैरह के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट है तो इमिग्रेशन वगैरह होगी नहीं, तो 2 घंटे इज मोर देन इनफ। बट जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे हो हमेशा 3 से 3.5 घंटों का गैप लेकर चलो अपने फ्लाइट से, क्योंकि वैसे भी जिस टाइम की फ्लाइट होती ना उससे 40 मिनट पहले तो बोर्डिंग गेट ही बंद हो जाते हैं, तो वो 40 मिनट तो सीधा सीधा माइनस हो गए। फिर भी उसके अलावा 2 घंटे होने चाहिए, सिक्योरिटी में लाइन लंबी हो, इमिग्रेशन में लाइन लंबी हो, तो हमेशा वर्स्ट के लिए रेडी रहना चाहिए अपन को। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, आज है 8 नवंबर 2023, मैं हूँ अभी गुड़गांव में और आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। एक्चुअल में ये 114th एपिसोड होने वाला है। जो 113th एपिसोड था वो मैंने ट्रिप का पूरा एक्सपेंस बताया था आपको, बट अभी 2 एपिसोड बचे हैं, 2 या 3, जिसमें मैं फाइनली गुड़गांव से मुंबई जा रहा हूँ, तो गाड़ी की क्लियरेंस कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब प्रोसीजर बताऊंगा और फिर अगले ब्लॉग में या उससे अगले ब्लॉग में गुड़गांव में चला के गाड़ी को वापस ले आएंगे मुंबई में, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है। क्यों जल्दी है वो मैं अभी नहीं बता सकता, बट फटाफट से गाड़ी को लेकर आना है अपन ने। तो ये जो नमस्ते लंदन रोड ट्रिप है भाई, 2-3 एपिसोड ही बचे हुए, उसके बाद फाइनली सीरीज को हम जो है वो फुल स्टॉप लगा देंगे। अच्छा, आप में से जितने भी लोग मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो फ्री में, जी हाँ बिना पैसे खर्चे, और तो और ट्रैवल करते करते पैसे भी कमाना चाहते हो, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है भाई। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे ना तो एक वीडियो प्ले होगी, वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया कि कोर्स में आपको क्या क्या सिखाऊंगा मैं, मतलब ऐसी ऐसी वेबसाइट, ऐसे ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स है कि आपका इंटरनेशनल ट्रैवल जाना आना फ्री हो जाएगा, वहाँ रहना फ्री हो जाएगा, खाना फ्री हो जाएगा, और उसके अलावा आप पैसे भी कमा पाओगे। कैसे कर पाओगे वो सब तो कोर्स में पता चलेगा, अभी बता दूंगा तो फायदा क्या। कोर्स का प्राइस वैसे तो ज्यादा है, बट अभी दिवाली आ रही है तो आपके लिए एक ऑफर निकाला है मैंने। अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना IB40, तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कूपन कोड कुछ ही लोगों के लिए है और कुछ ही दिन तक वैलिड है, इसलिए अभी के अभी भाई फटाफट यूज करके कोर्स ले लो। ऑलरेडी 1000 लोग जो है वो कोर्स में एनरोल कर चुके हैं
और अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स की जर्नी शुरू भी कर चुके होंगे, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं करना ना, तो मैंने वैसे भी पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके उसमें बताए हैं। तो अच्छा कोर्स है, एक बार देखोगे ना, मतलब आप कहोगे कि अनमोल भाई पैसे वसूल करवा दिए पूरे, मतलब वसूल क्या, उससे कई लाखों एक्स्ट्रा कमा लोगे उल्टा आप। तो सारी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है। बाकी भाई साहब दिल्ली गुड़गांव में पोल्यूशन के हाल तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे धुंध धुंध सी हो रही है, और ये एक्चुअल में ठंड वाली धुंध नहीं है भाई, वही वाली धुंध है, ये स्मोग और वो जो फोग मिक्स हो जाता है पता नहीं क्या, तो पोल्यूशन का ही साइन है समझ लो बस। काफ़ी अलग अलग रीजंस है पोल्यूशन के, अब क्या ही बात करें इस बारे में, छोड़ो। पर हाँ सच, ये तो मैंने वीडियो बना दी थी ना कि दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप में अपना कितना खर्चा आया था, बट काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमाया एक्चुअल में कितना, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन उसी कोर्स में दी है, एडसेंस का रेवेन्यू भी, ब्रांड डील्स भी, कैसे ये ट्रिप मुझे बिल्कुल फ्री में पड़ी, और उसके अलावा काफ़ी मैंने पैसे भी कमा लिए, वो सारे आपको रिपोर्ट्स और तरीके मैं दिखाने वाला हूँ कोर्स में। और जिन लोगों ने कोर्स खरीदा ना, वो कह रहे थे कि कोर्स अपलोड नहीं हुआ पूरा, तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई थी अपने, मतलब सीन हो गया था वेबसाइट पे, बट अब जो है वो पूरा कोर्स लॉन्च हो चुका है अच्छे से, आप जाके देख सकते हो। जितने पुराने लोग हैं वो वापस से लॉग इन कर लेना, क्योंकि कोर्स पूरी लाइफ टाइम आपको मिलेगा, मतलब आप कभी भी देख सकते हो, रात के 2 बजे देखो भले ही, और पूरी लाइफ मतलब आज से 100 साल बाद देखो, मतलब जब तक इंटरनेट एक्टिव है दुनिया में, वो तो रहेगा ही, खैर बंद नहीं होने वाला, और जो नए लोग हैं उनको तो मिल ही जाएगा पूरा कोर्स। जी लो आ गया है टर्मिनल 3, काफ़ी सही पहुंच गए भाई, 30 मिनट लगे एग्जैक्ट, 8 बजे पहुंच भी गए, तो अपने पास अब बहुत टाइम है। और विक्रम भाई भी आ गए हैं गेट नंबर 4 के बाहर, मैंने बोल दिया उनको, वहीं पे जाके मिलते हैं। गुड़गांव टू दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव किसी ने करना है ना, सबसे बेस्ट टाइम है भाई, सुबह सुबह निकलो अपना, यही 6:30 से 8 बजे के बीच में ट्रैफिक मिलता ही नहीं है, वही 8:30 के बाद निकलोगे तो भाई साहब इतना ट्रैफिक, यही 30 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे का बन जाता है कभी। जब मैं गुड्डू को छोड़ने आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, हमने इस वाली लेन में ली थी क्योंकि प्राइवेट कार की है, और ये लेफ्ट वाली लेन है भाई टैक्सीज के लिए, तो यहाँ पर हम उतर जाते हैं, 2 नंबर गेट ये रहा, मतलब 3-4 चौथा गेट ही है, क्योंकि वही है ना भाई अपना डोमेस्टिक है, और इन्होंने 4 के बाद से 5, 6, 7, 8 वो सारे गेट जो है वो इंटरनेशनल के लिए बना दिए, डोमेस्टिक के लिए शुरू के 4 ही है, शायद 5 भी है पता नहीं, 4 तक है 5 तक है, देखते चल के। भाई साहब कितना जाम है देखना, गाड़ियां ही गाड़ी है, मतलब सुबह की बहुत सारी फ्लाइट्स होगी। और दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली भी ना काफी अच्छी फ्लाइट्स है, मतलब विस्तारा की ही एक दिन में दिल्ली से मुंबई की लगभग 7 से 8 फ्लाइट है अलग अलग टाइम पे, फिर इंडिगो भी थी, बट मुझे विस्तारा ही पसंद है भाई, मतलब स्टाफ भी अच्छा होता है, अंदर का कैबिन वैबिन भी अच्छा होता है, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, भले ही 500-800 रुपये ना महंगी टिकट मिलती है, बट मेरे को पसंद है भैया विस्तारा से ही, और विस्तारा नहीं मिलती तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस फिर इंडिगो रहती है, एयर इंडिया में कुछ खास मजा नहीं आता। देख रहे हो टैक्सी टैक्सी है भाई, लाइन से टैक्सी लग रही है भैया, 4 नंबर के पास छोड़ देना, और हाँ सामने जी 3 नंबर, इससे अगला गेट है बस 4 नंबर, वहीं उतर जाते हैं। ये एरिया भी ना बस ड्रॉप ऑफ ही है, यहाँ पे ज्यादा देर टैक्सी वैक्सी को खड़े नहीं करने देते, जैसे वहाँ पे भी नो पार्किंग है प्राइवेट कार्स के लिए, बस छोड़ो और 5 मिनट में निकल लो, टैक्सी को तो 5 मिनट भी नहीं रुकने देते है ना, सीधा कहते हैं कि भैया उतारो फटाफट से जाओ, और अगर वेट करना है तो फिर वो डेडिकेटेड पार्किंग जोन बने हुए हैं ओला उबर वाले, जहाँ पे आती है टैक्सी, यहाँ पे तो डिपार्चर्स में तो खाली छोड़ना है और अपना चले जाओ टाटा सी। एक ही सूटकेस है मेरा, एक पिट्ठू बैग है पीछे कैमरा वाला, तो ट्रॉली व्रोली तो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, वो वाला बैग चेक इन में डाल देंगे और ये कैबिन में ले चलेंगे। पेटीएम है ना भैया, चलो जी चलो, मस्त भाई ट्रिप शुरू हो गई है वापस से अपने स्कॉर्पियन को लाने की, मजा आएगा, बैग निकाल लूं इतने में अपना। भाई साहब पोर्टर वाले देखना कितने सारे लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं भैया पीछे से डप्पा कर देते हैं भैया को जाके, देखो हेलो जी हेलो टाइम पास कर रहा था, करो करो बोर्डिंग पास प्रिंट कर लूं, काउंटर पे जाके चेक करो, लगेज तो देना ही है वैसे भी, चलो 4 से ही घुस जाए,
देख लो भाई काफी सारी फ्लाइट है, भीड़ पूरी हो रही है, सारे ही गेट ऑलमोस्ट फुल पड़े हुए हैं, यहाँ से लेके पीछे वाले देख रहे हो वहाँ भी लाइन लगी बड़ी है तगड़ी। लो जी लो एंट्री हो गई है और अब पासपोर्ट की जरूरत नहीं, रख लेता हूँ, सिर्फ एंट्री पे ही दिखाना था। वैसे तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए आप खाली आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, बट आधार कार्ड मेरा घर पे छूट गया इसलिए मैंने पासपोर्ट ही निकाल लिया। अब चलते हैं विस्तार, हाँ वो तो है, विस्तारा के काउंटर पे चलते हैं भाई और अपना चेक इन बैगेज देते हैं और साथ में बोर्डिंग पास प्रिंट निकलवाते हैं। वेब चेक इन तो मैंने कल ही कर लिया था क्योंकि मैंडेटरी कर दिया वेब चेक इन ना, तो मैंने कहा कर ही देते हैं दोनों का। फिर ये आ गया भाई विस्तारा का काउंटर, गेट नंबर 1 या 2 से एंटर करना चाहिए था, बिल्कुल आगे आ गई था। और ये मेरा नया वाला मैकबुक है ना 16 इंच, बहुत भारी है भाई, कंधे की बैंड बज रही है। ये तो शुक्र है, चलो विस्तारा में ज्यादा लाइन नहीं लगी हुई, खाली है, जल्दी जल्दी बैग दे देंगे और चलेंगे, फिर अंदर बैठेंगे कुछ खाई पियेंगे। लो जी बोर्डिंग पास मिल गया है, 21A शायद से विंडो सीट ही है ये। आपकी सीट नंबर क्या आई है? 21B है ना, साथ साथ ही दिया, चलो ये तो बढ़िया। चलो जी सिक्योरिटी क्लियर हो गई है, गेट नंबर 50 है अपना, तो काफी चलना पड़ेगा आज, बट बीच में देखते हैं कहीं पे खाते हैं क्योंकि विक्रम भाई को भी भूख लग रही है। मेरे को फिलहाल इतनी भूख नहीं है, बट ले लूंगा कुछ बर्गर वर्गर अपना फ्लाइट में खा लूंगा, ज्यादा बात होगी तो हाँ थोड़ा बहुत ही ले लेते हैं। और ये शुरू हो रहा है भैया ड्यूटी फ्री, यहाँ पे सारे आपको बड़े बड़े शोरूम या स्टोर मिल जाएंगे ब्रांड्स के, हालांकि इंटरनेशनल वाले में ज्यादा है, डोमेस्टिक वाले में थोड़े से कम है, बट हमें अभी कुछ भी नहीं पूछते थे, अब इतना तो आप तो बहुत बना दिया सही वही, पर हमें तो कुछ नहीं लेना, चलो यहाँ से अब सीधा। और टाइम भी है अभी लगभग 1.25 घंटा है अपनी फ्लाइट के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर बना हुआ है भाई पूरा का पूरा फूड कोर्ट, और यहाँ पे भी देखो ब्रांडिंग के लिए डिजिटल डिस्प्लेस लगा रखी है। एयरपोर्ट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो वन ऑफ दी मतलब सबसे एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि यहाँ पे हाई जिनकी पावर है ना मतलब खर्चने की वो ही लोग आते हैं ज्यादातर, तो इसलिए ब्रांड्स भी जितना पे कर रहे हैं ना यहाँ पे वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड वगैरह, तो इन ब्रांड्स को ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं क्योंकि कस्टमर भी उस हिसाब से इनको थोड़े से उस क्लास वाले मिल रहे हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पे KFC मैकडी वगैरह सब कुछ है, देखते हैं क्या खाते हैं। चलो जी खाने पीने का जुगाड़ आ गया है अपना, फिर करते हैं फ्लाइट बोर्ड, अभी है हमारे पास टाइम आराम से। चलो जी थोड़ी देर ही बैठना पड़ा, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, चलते हैं फटाफट से, फ्लाइट बस टाइम से उड़ जाए और टाइम से पहुंचा दे क्योंकि आज का दिन भाई लंबा होने वाला है, वहां से गाड़ी लेनी है, फिर शिरडी भी 6-6.5 घंटे का रास्ता है, तो थोड़ा सा हेक्टिक होगा, बट 2 लोग है चलाने वाले तो मैनेज हो जाएगा। ये खड़ी है भाई अपनी फ्लाइट D50 गेट के बाहर ही, मुझे लगा तो ये कह रहा है कि ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है बहुत ज्यादा। एंड उन्होंने अभी अभी लोकेशन भेजी है जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, 51 किलोमीटर है भाई एयरपोर्ट से और 1.5 घंटा इस टाइम पे दिखा रहा है, लेकिन हम जिस टाइम पे पहुंचेंगे मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता ही है, 2.5 घंटे तो पकड़ के ही चलो कैब से जाने में लग जाएंगे, फिर उसके बाद एक बार अपनी गाड़ी मिल गई फिर तो ट्रैफिक मिले कुछ मिले है ना, दिक्कत ही नहीं फिर तो अपनी गाड़ी में मस्त एकदम। फ्लाइट तो ऑलमोस्ट फुल है, काफ़ी सारी सीटें भर गई है, 1-2 ही खाली होंगी, और लेग स्पेस तो बड़ा कम सा है, मैंने बैग नीचे ही रख लिया, हाँ नहीं रहूँगा आपके तो ज़्यादा ही कम मेरा तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, भैया का तो बिल्कुल टच टू टच आ रहा है, कोई ना आए आगे तो बढ़िया, वरना तो बेचारा झूलता ही रहेगा पूरे रास्ते। सही बात है, चलो ये शुक्र है भाई शीशा तो साफ है, कम से कम टेक ऑफ और लैंडिंग की वीडियो बन जाएगी। एंड ये प्लेन यहाँ से ले लो भैया फोटो। विस्तारा के एयरक्राफ्ट ना वेल मेंटेन्ड लगते हैं, एयर इंडिया में बड़ा ऐसा लगता है कि अजीब अजीब सा खड़ा खड़ा की आवाज है, डाटा के बट ये प्लेन थोड़े से नए हैं, वो ज्यादा पुराने हो गए, देखो मस्त लाइट वाइट चल रही है और बस टेक ऑफ होने वाला है भाई 5-10 मिनट में। वैसे तो 2 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट थी, बट अनाउंसमेंट में बोल रहे 1 घंटा 50 मिनट लगेगा, और वो भी 5-10 मिनट और कम कर लो तो मोटा मोटा आप समझ लो 12:30 तक हम लैंड कर जाएंगे। लो भाई अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी आ गया है, एक में है अपना ये क्या दे दिया, ये तो वेज लग रहा है, वेज लग रहा है तो ऑमलेट है, ये ऑमलेट है, वेज में क्या परांठा और भिंडी बता रहे थे शायद, भिंडी छोले
छोले छोले पराठा। ये देखो भाई वेज वालों को पराठा मिला है, हमें बंद मिला है ऑमलेट के साथ। ठीक है भाई, ज्यादा भूख तो है नहीं, थोड़ा बहुत खा लूंगा। मुझे ये नहीं पता था भाई कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है 5,000 रुपए की टिकट में, देख लो सही है। सब खाना होते ही उसके बाद आ गया है टी कॉफी के लिए, तो मैंने तो लिया नहीं, भैया ने चाय ली है और साथ में ये मिलाने का शुगर वगैरह। इसलिए मैं कह रहा था भाई विस्तारा की सर्विस ना एक नंबर की है, मतलब 2 घंटे की फ्लाइट है, 5,000 रुपए की टिकट है, लेकिन उसमें भी ब्रेकफास्ट भी, चाय भी, पानी भी, सब कुछ मिलता है। बस थोड़ा सा एसी की हवा ना, हवा तो आ रही है बट ठंडी हवा नहीं आ रही, शायद से टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर रखा है। 1 hour later चलो जी, चलो मुंबई पहुंच गए हैं, लैंडिंग की तैयारी हो रही है। टाइम क्या हो रहा है? बहुत जल्दी पहुंचा दिया, 12:30 पहुंचनी चाहिए थी बट 20-25 मिनट पहले ही लैंड कर रहे हैं। हार्डली मेरे ख्याल से भाई 5 से 10 मिनट में जो है वो लैंडिंग हो जाएगी। नीचे देखो घर वर दिखना शुरू हो गया, जमीन पूरी। कह रहा था ना अंकिता सिंह को फिर करूंगा नहीं, हम मैं पिछली बार जब स्कॉर्पियो छोड़ने आया था ना उस टाइम भी 2 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट थी बट पहुंचा दिया था 1.25 घंटे में। तो ये कैलकुलेट करते हैं पूरा बोर्डिंग और जो खाली करने का टाइम भी इसी में। एक्चुअल में जो हवा में टाइम होता है ना वो कम ही होता है फ्लाइट का, क्योंकि मुंबई से गुड़गांव या दिल्ली मतलब 1.5 घंटे गई है मैक्स जितना बीट कर देंगे स्कॉर्पियो को 25 मिनट में टाइटल डालेंगे 25 मिनट में स्कॉर्पियो से मुंबई टू दिल्ली, क्योंकि ब्लॉग की टाइमिंग 25 मिनट होगी, वैसे 25 मिनट नहीं लगेंगे। थोड़ा ना प्लेन झूल रहा था, हमें लगा था लैंडिंग में एकदम से झटका आएगा, क्योंकि हमने जब दुबई से ईरान की फ्लाइट ली ना भाई साहब, उन्होंने क्या लैंड करवाया था, पूरे ऐसा लग रहा था सर ऊपर टकराएगा, बट स्मूथ लैंडिंग हुई, मजेदार। और जल्दी पहुंच गए हैं, फटाफट से निकलते हैं, लगेज उठाते हैं, कैब बुक करते हुए और लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो। एंड भाई काफी लेट आया बैगेज अपना, मेरा तो आ गया, भैया का रह गया। पहले ही फ्लाइट लैंड हो गई थी 20-25 मिनट पहले, बट पहले तो वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली उसको प्लेन को, तो 15-20 मिनट वहाँ वेस्ट हो गए रनवे पे ही। अब बैग आने में 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, टाइम तो समझ लो वही 1 बज जाएगा, 1 भी क्या 1.25 बज जाएगा बाहर निकलते निकलते। जल्दी आ जाओ भैया, बैग कहाँ रह गया। और ये देखना एयरपोर्ट पे भाई आर्टिफैक्ट से लगा दिया, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वो चरखा लगा रखा है, यहाँ पे देखो क्या क्या लगा रखा है, इधर की साइड देखो ये लगा रखा। और ये 14 नंबर बेल्ट हमारी है विस्तारा की, जबकि जो 13 नंबर बेल्ट है ना वो सामने वाली, इसमें एयर इंडिया और इंडिगो दोनों का आ रहा है, तो अपने को थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। यही है ना, ये आ गया भैया का भी, चलो लेट्स गो। हो गया गया चलो जी, अब चलते हैं जरा वॉशरूम और फिर सीधा टैक्सी पकड़ के निकलते हैं जहाँ पर अपनी गड्डी खड़ी है। मुंबई का भी एयरपोर्ट अच्छा है भाई, ये देखो झरना वरना लगा रखा है भाई, पूरा काफी सही बना रखा है यहाँ भी। मिस्टेक हो गए भाई, 3 टर्मिनल अपना दिल्ली वाला था, यहाँ पे टर्मिनल 2 है ये, क्योंकि 3 में मैं आया हुआ हूँ, वो इससे ज्यादा बेटर था भाई, उसकी सीलिंग हाइट भी ऊंची ऊंची सी थी, वो अलग सा था कुछ। हाँ ये रहा ना, ऐसी थी उसकी सीलिंग हाइट कुछ, देखो ये इस टाइप की, पता नहीं अब वो क्या है सीन। चलो हम तो निकले भाई, तो जी वो रहा सामने एयरपोर्ट का एग्जिट पॉइंट एंड इसके जस्ट सामने लगी हुई है लिफ्ट, अभी हम है P6 पे, और जो ओला और उबर का वो है ना डिपार्चर टर्मिनल वो है भाई P4 ये लिखा हुआ, तो अब हमें 2 फ्लोर नीचे जाना है, वहां से अपनी ओला उबर मिल जाएगी। लो जी P4 पे आ गए, ओला बुक कर दी है, और यहाँ मुंबई में ना येलो और ब्लैक टैक्सी बहुत चलती है, तो यहाँ से भी आप जो है ऑफलाइन भी ले सकते हो, बट वही है फिर ये पैसे ज्यादा बताएंगे, अपना ओला उबर सही है ना। ओला में दिखा रहा है 670 रुपीज तो अपना पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है, 1.5 घंटा लगेगा भैया आने वाली है, यहीं पे है पिकअप पॉइंट ना। ओला इधर दिखा रहे हैं, हाँ ये है यहाँ से आएगा ये रहा सामने, बाकी ये टैक्सी का वैसे भी बना हुआ, कैब आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो अगर ऑनलाइन नहीं करनी यहाँ से। ये है कि अपना ऑनलाइन प्राइस चेक कर लो और फिर इनसे डिस्कस करके नेगोशिएट कर सकते हो, सही रहेगा, बट हमने तो ऑलरेडी बुक कर दिया ना, तो अब क्या करना भैया। ये देखो भाई ओला वालों के लिए प्रॉपर टर्मिनल बना रखा है, उबर का नहीं बना रखा कहीं पे भी, ओला का तो है यहाँ पे, तो यही आएगी अपनी गाड़ी 2 मिनट में बस। भाई सब ओला वालों के लिए पूरा वेटिंग लाउंज बना रखा है, देखना एसी वेसी लगे हुए और 9-10 AC लगे हुए लाइन से पूरे भाई, ठंडा कर रखा है, और यहाँ ग्लास लगा रखा है अपना, यहीं बैठो और यहाँ से अपनी गाड़ी का वेट करो, हमारी तो गाड़ी आई गई है तो चलते हैं। काउंटर भी बना रखा ओला का। चलो जी चलो टैक्सी आ गई साड़ी, बढ़िया यार ये वेटिंग एरिया अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं है शायद से, मैंने तो नहीं देखा होगा अभी, तो यहाँ मस्त है भाई, यहाँ पे गर्मी में नहीं खड़ा रहना पड़ता, अपना एसी में जाओ। अगर होगा दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मैंने देखा नहीं भाई, तो पता हो किसी को बता देना, अगली बार मैं अभी फिर वहीं वेट करा करूंगा एसी में। हेलो भैया डिक्की में है जगह? 2 बैग है, ऊपर बांधने पड़ेंगे फिर, देख लो कह रहे ऊपर रख दो गिरेगा नहीं,
भाई साहब नहीं गिरेगा सर, अंदर रखवा दो यार, गिरेगा तो आप पैसा मत देना बस। अरे वो पैसों से ज्यादा है ना, गिरेगा नहीं पता। नहीं सेकंड सीट पे रख लेते हैं, हम दोनों पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे रख लो। छोटा अच्छा चलो, पहले हमारे की हालत खस्ता हो रही तो और कर देगा, टूटा हुआ है थोड़ा सा। सीट पे एक के ऊपर एक दो बैग रख देते, एक आगे बैठ जाएंगे एक पीछे बैठ जाएंगे, है ना। रखो खोलो खोलो, चलो जी बैग फिटा के बैठोगे, आगे बैठोगे बैठ दो बैठ दो कोई। मेरे को लग रहा है गाड़ी तो एसी नहीं चलेगा इसका, जिस हिसाब से गाड़ी ये खुलता नहीं है गेट। एसी चलता है ना भैया? एसी चलता है सर, शुक्र है चलता है, क्योंकि दिल्ली में तो ठंड हो रही थी, ठंड मतलब नॉर्मल था, बट यहाँ पे तो 30-35 है गर्मी। वो ऐसा भैया ने तो पूरी छत में काम करवा रखा है, भैया लोकेशन लगाई हुई है, लोकेशन पे ही ले चलो बस। जैसे कि मैंने बताया भाई 1.5 घंटे का सफर है, तो यहाँ पे आराम से बैठ के बस एसी की हवा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। खाना पानी अपने बैग में है ही, बता देना भैया कुछ खाना हो तो, पिकनिक का सामान ले रखा सारा। वहाँ देखो भाई दिल्ली गुड़गांव में इतना पोल्यूशन था, और यहाँ पे तो साफ सुथरा ही दिख रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। और मैंने स्टोरी डाली है कि मुंबई आए हुए काफी सब्सक्राइबर्स है अपने मुंबई के, जो कह रहे हैं कि मीटअप करो, बट बहुत जल्दी में हम, क्योंकि आज ही हमें गाड़ी पिक करके आज ही किसी तरह से शिरडी पहुंचना है, और वहाँ दर्शन करके नाइट स्टे करेंगे, ताकि कल सुबह सुबह फिर हम वापस गुड़गांव के लिए निकल सके। मैंने आपको कहा ना कि मतलब इस बार टाइम नहीं है, फेस्टिवल सीजन है अपना, दिवाली भी आने वाली है, तो बहुत जल्दी जल्दी हमें घर जाना है। अगर आज हम मुंबई रुक रहे होते तो पक्का मीटअप करते भाई, बट अभी नहीं, अभी अगर मीटअप कर लिया तो 2-3 घंटे तो कम से कम चले जाएंगे मीटअप में, वो अभी हमारे पास टाइम है नहीं आज, तो नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे भाई मुंबई का मीटअप। मिली थी पहुंच गए हैं, फोन लगाया उनसे पूछते हैं कहाँ पे आना है। हेलो हेलो भैया, आपकी लोकेशन में पहुंच गए, कहाँ आना है अभी? बराबर वो गेट किधर है क्या? ये अपना श्री दुर्गा होटल लिखा हुआ है। कौन सा? श्री दुर्गा होटल, एक्यूरेट धर्म कांटे के सामने है, धर्म कांटे के सामने। ये सोसाइटी है ना, सोसाइटी इसके अंदर से रास्ता जाएगा, भैया ले लो इसके अंदर से, यही पास का ही है कहीं। तो लोकल लैंग्वेज में बातचीत चल रही है मराठी में, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आप लो मैप के अकॉर्डिंग अंदर लो भैया, जो इन्होंने लोकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग अंदर लो ना, चलते हैं वहीं पे पहले पहुंचे तो सही। ठीक है भैया आ रहे हैं, एक मिनट। ये तो रेजिडेंसी एरिया है। हाँ तो अंदर से ही होगा रास्ता, एक ही रोड है और इसके अलावा तो कोई रोड ही नहीं आ रही। देखो एक ही तो रोड है बस, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं, जाने दे रहे हैं मतलब। देखो ओवर लेके सब लोकेशन ही नहीं मिलके दे रही, पता नहीं कहाँ से एंट्री है क्या है, दिखा रहा है इसी रोड पे लाइव लोकेशन, बट कुछ दिख तो रहा नहीं है यहाँ पे कि कंटेनर पड़े हो गए। ओ भाई साहब, भैया कमर तोड़ोगे मेरी, गलती से भाई सोसाइटी में घुस गए थे। एक्चुअल में जाना था बाहर से इधर की तरफ, बस पास में ही है, 200-300 मीटर ही है, ज्यादा बस 600 मीटर है, वहाँ पे सारे कंटेनर पड़े होंगे। और उनका फोन आया था, वो कह रहे हैं कि गाड़ी ऑन नहीं हो रही है, बैटरी वो गई, तो मैंने उन्हें बोला कि हो सकता है वहां से लंदन से उन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट करी हो इसलिए ना हो रही, बट वो कह रहे डिस्कनेक्ट नहीं हो रखी, कनेक्टेड है। देखो भाई जाके पता चलेगा क्या सीन है, टाइम वेस्ट। इतने 30 देशों में कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में, लेकिन इंडिया पहुंचते ही गाड़ी नहीं ऑन हो रही। वाह, ये देखो भाई कंटेनर आ रहे हैं ट्रक पे लोड होके। एक्चुअल में पोर्ट से तो ये दूर है, पोर्ट से सारे कंटेनर ट्रकों में लोड होके यहाँ, ये रहा दे रहा, लेफ्ट करो, ये आ गए भाई हम फाइनली, लेट्स गो। यहाँ पे जाना है अंदर, अपनी गड्डी यहाँ खड़ी है, ये है सामने, इसके अंदर खड़ा है कंटेनर। चलो जी उतर देते हैं, वो भाई साहब तो फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कन्फर्म कर लिया भाई, यही है फुल एंड फाइनल लोकेशन, बट यहाँ से हमारी एंट्री नहीं अंदर, वो हमारे लिए गेट पास बनवाएंगे, दोनों का आधार कार्ड चाहिए, विक्रम भैया का भी मेरा भी, तब हमें अंदर एंट्री देनी जाएगी, मतलब ऐसे ही नहीं एंट्री देती। ये गेट बना हुआ ना भाई साहब, यहीं पे पूरी चेकिंग होती है जाने से पहले, और देखो वो रहे कंटेनर काफी सारे, एंड इन्हीं एक कंटेनर में से अपनी स्कॉर्पियो एन भी है भैया, मजा आएगा, फाइनली गाड़ी मिल रही है भाई, चला के ले जाएंगे, ओए बल्ले बल्ले। दो लोग ही है, यहीं पे बनेगा गेट पास अपना। तो जो पोर्ट है ना वो भाई साहब यहाँ से 26 किलोमीटर है, तो वहाँ से क्या ट्रक में आया था ये कंटेनर? हाँ, तो ये ट्रक से तो जब ही आया होगा ना, जब कस्टम क्लियरेंस हुई होगी वहाँ पे, है ना, तो कस्टम क्लियरेंस हुई ट्रक से, यहाँ पे बुलाया गया लॉजिस्टिक कंपनी के पास, अब यहाँ पे जो है वो फाइनली गाड़ी निकाल के हम ले जाएंगे। भैया जो है वो गेट पास का काम करवा रहे हैं दोनों का, मेरा पासपोर्ट, भैया का आधार कार्ड। अगर तो कंटेनर से नहीं निकाली होगी ना, तो भाई वीडियो बन जाएगी अपनी अच्छी, और एक दो रील भी बना लेंगे बढ़िया बढ़िया, और फिर निकालेंगे कंटेनर से। अगर निकाल ली होगी कंटेनर से, फिर तो
सीधा लेके निकलना ही है हमने, और लगेज भी अंदर ले जाने दे रहे क्योंकि हमें गाड़ी में ही डालना है लगेज, और गाड़ी में ले जाके मतलब डाल के ले जाएंगे। अब ये एरिया अंदर से बहुत बड़ा होता है, ज्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि ईरान वाला जो पोर्ट था ना भाई सब इतना बड़ा था, और वहां तो गर्मी भी ऐसी 46 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चला रहे थे वो हमारे एजेंट, यहाँ पे तो थोड़ा टेम्परेचर फिर भी सही है। चलो जी चलो, एंट्री के लिए बुला लिया गया है हमारे को। ये लो जी, ये लो सारे कंटेनर ही कंटेनर, ये रहे अपने एजेंट वेजेंट सब लोग, फटाफट चलते हैं। हाँ जी मैं हूँ शेखर। अच्छा हाँ जी, आपसे ही बात हो रही थी ना। बस बस सर ठीक बढ़िया। चलो निकालिए गाड़ी अंदर ही अभी। अच्छा गाड़ी लेके अंदर उसको चालू करके रखा अभी। अच्छा वो बैटरी वीक हो गई होगी ना, एकदम डाउन हो गई होगी, मतलब स्टार्ट तो हो गई ना अब। स्टार्ट नहीं हुई अभी। आपने अपनी गाड़ी से नहीं करी? गाड़ी से मैंने लिया लेकिन वो नहीं चालू हो रहा है। अच्छा चलो फिर देखते आओ, चेक करे भैया। भैया है ही अपने साथ एक्सपीरियंस है, गाड़ी तो चालू कर ही देंगे। चलो ये वाले बैग जो है यहीं रख देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दूर है वो कंटेनर, चल के ही जाना पड़ेगा। और भाई पूरी ईरान वाली फील आ रही है, जैसे ईरान में कंटेनर छुड़वाने गए थे ना वैसी यहाँ पे आ रही है। बट यहाँ थोड़ा इजी प्रोसेस है, अपने लोग है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और ऊपर से सारा काम ऑलमोस्ट हो ही रखा है क्लियरेंस का, हमें तो सिर्फ लेनी है गाड़ी। बट ये कह रहे कंटेनर में ही है गाड़ी, चालू नहीं हो रही, तो देखते हैं चालू कैसे करेंगे। चलो जी बैग रख दिए यहाँ दोनों। हाँ यहीं रख देंगे, आते वक्त निकलना यहीं से गाड़ी लेके, तो गाड़ी में ही डाल देंगे सीधा। जंप स्टार्टर था मेरे पास, वो ले आता अगर, है ना, वो तो इनके पास भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ जुगाड़ तो करेंगे। चलो सब ये वाले कंटेनर देखो कितने बड़े बड़े, इसमें तो मेरे ख्याल तीन गाड़ी आ जाएगी आराम से ना, तीन या चार गाड़ी, तीन आ जाएगी भाई साहब। हमारा तो 20 फीट वाला है जिसमें सिंगल गाड़ी आती है, वो वाला वो साइज है हमारा। लेट सी इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। ये रील बना रहा हूँ एक मस्ती, वो शायद व्लॉग से पहले ही आ जाएगी इंस्टाग्राम पे, तो जिन्होंने देख ली होगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते उन्होंने तो देख ही ली होगी, जो नहीं करते फॉलो वो भैया वो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे भाई शूट वूट करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, ईरान में तो बड़े लफड़े हो रहे थे, वहाँ तो मना कर रहे थे शूट मत करो शूट मत करो। चलो भाई बंद करते हैं, कस्टम ऑफिस है। ये रही भाई अपनी स्कॉर्पियो, कंटेनर से तो बाहर निकाल लिए इन्होंने किसी तरह लगा के, अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसका। लो जी लो, फाइनली ये खड़ी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो 30 देशों में घूम के फाइनली अपने देश वापस आ गई है, HR 26 गुड़गांव का नंबर। अब इसको स्टार्ट करने का जुगाड़ देख रहे हैं भाई कैसे करा जाए, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बढ़िया एकदम बढ़िया रही, देख सब लोग आए बोल दो। चलो जी आपके बच्चे हाँ। चलो ठीक है, लो जी लो गाड़ी आ गई है, बाकी जो टूट फूट हुई है वो तो आपको पता ही है, वाइपर भी टूटा हुआ है, ये सब अभी रिपेयर होगा भाई गुड़गांव जाके। ओल ले निकल ही गया, चलो निकाल के रख ही देते हैं इसे। मेरे ख्याल ये टूटा नहीं है, पेच ही खुला हुआ है ना, पेच ही है बस, कोई नहीं जाके करवाएंगे। नहीं नहीं था, ऐसे ही रह गया। हाँ वो वहीं लूज हो गया था मेरे को लग रहा है, कोई नहीं। चलो चलो यार, बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में इसको लेकर निकलेंगे भाई शिरडी के लिए सीधा, तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना। ड्राइव अपनी वापस से स्कॉर्पियो को करेंगे हम मुंबई की सड़कों में, ठीक है जी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।